Recording. So our next chapter is coordination chemistry. Okay, next chapter is coordination chemistry. थोड़ा कैमरा अपनी तरफ कर दो, मुझे आपको भी देखना है साथ में, राइट? सो सबसे पहली बात, यू हैव हर्ड अबाउट अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज नॉर्मली कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ओके, इनिशियली है ना, आपने दो ही टाइप के बॉन्ड सुने हैं, एक आयनिक. तो अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ बॉन्ड्स जो हम पढ़ते हैं, राइट, उनमें से एक होता है, सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड, दूसरा हम पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड जो है वो हम पढ़ते हैं अपना हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, सो टिल नाउ इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा किसी प्रॉपर्टी के अंदर. ओके, अभी मैं बात करता हूं आयनिक बॉन्ड की एंड कोवेलेंट बॉन्ड की. आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. ओके, आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. मान लो एक सोडियम है और एक क्लोरीन है. ओके, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, बिकम सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन बिकम क्लोराइड Cl नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. ओके, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, जो आयंस में बनता है, जो आयंस में बनता है. ओके बेटा, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड, पहली बात तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. और कोवेलेंट बॉन्ड एक तो हमारा नॉर्मल होता है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पे एक स्पीशीज ए होती है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक स्पीशीज बी होती है एक इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है. ये दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं, राइट? इसके इलेक्ट्रॉन ये काउंट कर लेता है और इसके इलेक्ट्रॉन ये काउंट कर लेता है टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल. टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल, ठीक है? उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, बट एक इसके अंदर हम एक नया नाम लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है बेटा? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है कि एक ए है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक बी है जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग हुई, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इसने काउंट कर लिए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इससे काउंट कर लिए. तो देखा जाए काम तो सेम ही रहा, पर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही एटम से आते हैं. ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग डोनर एटम. डोनर एटम, ओके, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, इसलिए इनका एक नया नाम है बेटा, उसको बोलते हैं लाइगेंड. ओके, हाँ, इसका नया नाम है, वो है लाइगेंड. ओके, ये इसका मतलब ये होगा, एक के पास तो फिल्ड ऑर्बिटल हो गया, तो दूसरे के पास क्या होना चाहिए? एम्पिटी ऑर्बिटल होना चाहिए. क्या होना चाहिए? एम्पिटी ऑर्बिटल होना चाहिए. इसीलिए इनको हम क्या लेते हैं, हमारी ये होगी हमारी मेटल्स. तो हम एक मेटल लेंगे, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेंगे. मेटल्स के पास एम्पिटी ऑर्बिटल होंगे और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के पास क्या होंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे.
ठीक है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देंगे मेटल्स को, शेयर कर लेंगे, जिससे क्या होगा, एक नया बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, बट जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही एटम से आते हैं। ओके, तो एक एक मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलके बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर अ स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स आर अ स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स आर अ स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स इन विच the central in which the central atom is surrounded by central atom is surrounded by ions or molecules ions or molecules, okay? ठीक है जी, beyond their normal valency, beyond their normal valency, okay? For example, एक नॉर्मल तरीका बताता हूं आपको, मैंने COCl3 लिया, कोबाल्ट क्लोराइड लिया, ओके, उसको ट्रीट कर दिया मैंने अमोनिया के साथ, जैसे ही मैंने इसमें अमोनिया डाला, ठीक है, इस कंप्लेक्स का जो कलर है वो चेंज हो गया, इस कंपाउंड का जो कलर है वो चेंज हो गया, उसके साथ 6 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया जो थे वो अटैच हो गए। जैसे ही मैंने कोबाल्ट क्लोराइड के अंदर अमोनिया डाला तो क्या हुआ, इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर था वो, कंपाउंड का जो कलर था वो चेंज हो गया। पहले कैसा होता है, पहले ये होता है पिंकिश सा, डार्क पिंकिश सा, फिर ये चेंज हो गया, ठीक है। और इसकी अगर स्ट्रक्चर बनाई जाए तो इट्स स्ट्रक्चर विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, तो दिस इज माई NH3, साथ के साथ बना रहे हो ना बेटा? और कोशिश करो कॉपी के पेज पलट कम पलटो। NH3, ओके, एंड अलोंग विद मेरे पास 3 क्लोरीन भी लगे हुए थे, अगर देखा जाए 3 क्लोराइड आयंस, सो दिस इज द फर्स्ट क्लोराइड आयन, दिस इज द सेकेंड क्लोराइड आयन एंड दिस इज द थर्ड क्लोराइड आयन। ओके बेटा, हां जी, सो ये कॉम्प्लेक्स बन गया आपका सारा, तो ये आपका पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोलते हैं, या फिर सिंपली इसको कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या फिर सिंपली कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। ओके, हाँ जी, तो आजकल इसके लिए एक नई टर्म यूज होनी शुरू हो गई है, और उस टर्म का नाम है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके बेटा,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। समझा गया? इनके लिए जो नई टर्म यूज करी है वो क्या करी है हमने? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, सो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। ओके बेटा, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। सबसे पहला हीमोग्लोबिन। अच्छा, जब भी हीमोग्लोबिन कम होता है तो डॉक्टर क्या बोलता है? हाँ जी बेटा, आयरन की गोलियां खाने को, आयरन की गोलियां खाने को। ओके, बिकॉज हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन। ओके, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन। ओके बेटा, सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी ट्वेल्व। विटामिन बी ट्वेल्व का कैप्सूल कब लेते हो? जब मुंह में छाले हो जाते हैं, गर्मी हो जाती है। ओके, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट। इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट। ओके, नंबर थ्री क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है? प्लांट्स में, ग्रीन कलर की। ओके, हाँ जी, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम। इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम। तो देखा जाए ये तीन ही एग्जांपल, और बहुत सारी हैं, पर फिलहाल मैंने तीन ही एग्जांपल दे रहा हूं, हीमोग्लोबिन, विटामिन बी ट्वेल्व एंड क्लोरोफिल। इन तीनों की एग्जिस्टेंस देखो आज की लाइफ में कितनी है, बहुत ज्यादा है। ठीक है बेटा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, या फिर सिंपली कॉम्प्लेक्सेस। कोई डाउट बेटा? गुड, ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू, मैं इसको रब कर दूं। ओके, अब मैं आता हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे, उसके लिखते हैं हम लोग डेफिनेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, सो दे आर बेसिकली व्हाट दे आर, है ना? अगर कोई पूछा, नॉर्मली पूछ ले व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, सो दे आर defined as the compounds. Okay, they are defined as the compounds they are defined as the compounds in which the central atom is the central atom is, okay, central atom is linked to a number of ions or neutral molecules by coordinate bond, by coordinate bond, okay? हाँ जी, तो ये हो गया। कुछ एग्जांपल्स भी हैं
ये तो डेफिनेशंस थी, ओके। तो सपोज करो मेरे पास निकल क्लोराइड है NiCl2, जब मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूं तो ये ग्रीन कलर का होता है, ओके। इस निकल क्लोराइड के अंदर जब मैं अमोनिया डालूंगा जो कि क्या है, कलरलेस है, जो कि बिल्कुल ही पानी की तरह कलरलेस है, व्हाइट नहीं होता बेटा, कलरलेस होता जिसका कोई कलर ना हो, ठीक है, ओके। तो जब मैं इन दोनों को मिक्स करता हूं बेटा तो मेरे पास जो कलर आता है वो आता है पर्पल कलर का, वो आता है पर्पल। ग्रीन में कलरलेस मिक्स करो पर्पल हो जाता है, इसका मतलब क्या है, कुछ नया बना है, इसका मतलब कुछ नया बना है। निकल NH3 6 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज Cl2, तो ये कौन से कलर का बना है, पर्पल कलर का बना है, ओके। तो अगर यहां पे देखा जाए द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड The property of the complex compound are completely different. Are completely different. Okay, from those of from those of निकल टू पॉजिटिव आयंस, ओके, और NH3 मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर मैं टेस्ट करना चाहूं, अगर मैं चेक करना चाहूं क्या मेरे कंपाउंड के अंदर निकल है, तो मैं उसको चेक नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि निकल ने क्या कर लिया है, निकल ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है, एक नया कंपाउंड बना लिया है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके। तो इसलिए वो जो नए टाइप का कॉम्प्लेक्स बना है नॉर्मल मॉलिक्यूल की बजाय, जिसमें निकल है पर निकल की प्रॉपर्टी वो नहीं रही जो पहले थी, ओके। इसलिए हम निकल को क्या कर सकते हैं, चेक नहीं कर सकते कि उसके अंदर निकल है या नहीं है, ओके बेटा। तो यहां पे अगर मैं इसको दोबारा चेक करूं तो देखा जाए NiNH3 6 टाइम्स Cl2, और इसको मैं खोल के लिखूं तो बिकम NiNH3 6 टाइम्स 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव। बेटा प्लीज ये पेज पलटना बंद कर दो, 2Cl नेगेटिव, ओके। तो यहां पे देखा जाए अब मेरे को कोई निकल का टेस्ट नहीं मिलेगा, नो टेस्ट ऑफ निकल, ओके। मेरे को निकल का कोई भी टेस्ट नहीं मिलेगा, मेरे को इस कॉम्प्लेक्स का, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का टेस्ट मिलेगा इंडिविजुअल, ना तो निकल का मिलेगा ना अमोनिया का मिलेगा, दोनों के टेस्ट नहीं मिलेंगे। तो ये एक कॉम्प्लेक्स आपस में क्या बन गई, एक न्यू क्वांटिटी बन गई है, न्यू मॉलिक्यूल बन गया है, ओके। ऐसा मॉलिक्यूल बन गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और आज की डेट में इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। क्लोरीन के टेस्ट आ रहे हैं क्योंकि क्लोरीन बाहर है, अगर देखा जाए क्लोरीन तो बाहर है, ठीक है ना। पर ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसके, जिससे ये मिलके बना है उसके इंडिविजुअल टेस्ट नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमें क्लोरीन का, ठीक है, तो एक नया अलग से एक पूरी क्वांटिटी अलग बन गई है, ओके। उसको हमने क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ओके बेटा। विदाउट पक्का, ओके। सो मैं इसको रब कर रहा हूं। नेक्स्ट आ जाता है
type of complexes. Okay, so next आ गया मेरे पास type of complexes. Okay, तो depending upon charge on the complex ion, okay, the complexes are classified into many categories. Okay, सबसे पहले cationic complex. Cationic complex. Okay, so in which the complex carries a positive charge. So those coordination compounds in which the complex carries a positive charge. Okay, in which the complex carries a पॉजिटिव चार्ज. फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने लिखा था निकल NH3 सिक्स टाइम्स और टोटल के ऊपर कितना चार्ज था 2 पॉजिटिव था. CO NH3 सिक्स टाइम्स टोटल के ऊपर कितना चार्ज है 3 पॉजिटिव चार्ज है. ओके सिल्वर NH3 ट्वाइस और टोटल के ऊपर कितना चार्ज है 1 पॉजिटिव चार्ज है. समझ आ गया बेटा. तो बड़ा भी हो सकता है जैसे CO NH3 6 की बजाय मैं 4 ले लेता हूं और अंदर Cl2 ले लेता हूं तो ऊपर आ गया सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज. ओके बेटा. सो दे आर द एग्जांपल्स वेयर द कॉम्प्लेक्स कैरीज द पॉजिटिव चार्ज. ओके बेटा. नाउ मैं इसको रब कर रहा हूं. नंबर 2 एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस. एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस. ओके एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं इन विच द नेगेटिव चार्ज in which the complex carries a negative sorry in which the complex carries a negative charge in which a complex carries a negative charge like FeCN6 3 negative FeCN6 4 negative. Okay, and next is CO CN6 3 negative COCl6 3 negative means overall charge is negative. Don't see anything, see the negative charge is on the complex atom. Okay, so that means it form a this anionic complex. Okay, it forms a anionic complex. Okay, so तीसरा type जो मेरे पास cation हो गया, anion हो गया, and next third one is neutral complex. Third one क्या हो गया हमारा neutral complex, a complex in which no net charge is present on. Okay, the complex. Okay, in which there is no net charge on the complex. Okay, yani jaise nickel CO4. Okay, इस केस में देखा जाए तो कोई भी चार्ज नहीं आता. FeCO5 और ऐसे से मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां कॉम्प्लेक्स के ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना
नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स है वो बिल्कुल ही न्यूट्रल है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। समझाया बेटा? हाँ जी। तो अब आपके मन में ना दो वहम आ रहे होंगे। पहला, एक तो कोई भी दो चीजों को मिक्स करो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये, ठीक है ना, कि कोई भी दो चीजों को आप मिक्स करो तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। दूसरा, कि सभी का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं बनता है। ओके, इसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपको अगला टॉपिक करवा रहा हूं। ओके, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो मेरे अगले टॉपिक का नाम है, वो है डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ओके बेटा, तो व्हेन द सॉल्यूशन कंटेनिंग टू और मोर सॉल्ट इन अ सिंपल मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन, ओके, सिंपल मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन एंड द रेस्ट ऑफ द वॉटर या रेस्ट ऑफ द लिक्विड इज अलाउड टू वेपोरेट, ओके, वी गॉट क्रिस्टल्स ऑफ कंपाउंड नोन एज एडिशन कंपाउंड्स, डिपेंडिंग अपॉन देयर बिहेवियर, ओके, तो दे आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। कहने का मेरा मतलब था, अभी तक ये मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया कि आई हैव वन कंटेनर जिसमें एक चीज का सोल्यूशन बनाया मैंने, ओके, प्लस आई हैव अनदर कंटेनर जिसमें मैंने दूसरी चीज का सोल्यूशन बनाया, ओके, दिस इज माई ए कंपाउंड, दिस इज माई बी कंपाउंड, नाउ आई वॉन्ट टू मिक्स देम, ओके, वेन आई एम मिक्सिंग देम इट फॉर्म बिगर, टू सोल्यूशन आर मिक्स टूगेदर, ओके, वेन यू मिक्स द टू सोल्यूशन देन इवेपोरेट द वॉटर इन इट, एक्स्ट्रा वॉटर इन दिस, ओके, आफ्टर दैट यू विल गेट क्रिस्टल्स एट द बॉटम, ओके, एट द बॉटम यू विल गेट क्रिस्टल्स एट द बॉटम, ओके, दीज क्रिस्टल्स आर डिवाइडेड इंटू टू मेजर कैटेगरीज, ओके, दीज क्रिस्टल्स आर डिवाइडेड इंटू टू मेजर कैटेगरीज और क्लासेस। नंबर वन, पहली को हम बोलेंगे डबल सॉल्ट, ठीक है, और लेटिस कंपाउंड्स, ओके, डबल सॉल्ट और लेटिस कंपाउंड्स। दूसरे को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ओके बेटा। तो कल जब मैं आपको नेक्स्ट करवाऊंगा तो मैं सबसे पहले आपको इनका जो डिफरेंस है दोनों में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल सॉल्ट में, ये चीज का डिफरेंस पहले क्लियर करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है बेटा। ऐसा नहीं है दो चीजों को मिक्स करा, जो पानी था बीच में वेपोरेट कर दिया, जो नए क्रिस्टल आए वो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे नहीं बनता, और एडिशन यानी डबल सॉल्ट भी ऐसे नहीं बनते हैं, ठीक है बेटा। इज इट क्लियर? अ टॉपिक दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो ये टॉपिक है हमारा कि आखिरकार दोनों में डिफरेंस क्या है डबल सॉल्ट में एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट जिसको एक और नाम भी दिया था, दैट इज लैटिस कंपाउंड। लैटिस कंपाउंड्स। ओके, अच्छा इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जब आपके स्फीयर आपस में ज्वाइन होते हैं तो उनके बीच में गैप होते हैं, तो उन गैप्स के बीच में दूसरा कंपाउंड आके एडजस्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग लैटिस कंपाउंड। ओके, द एडिशन कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल सॉल्ट। ओके, इफ नंबर वन दे एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन स्टेट अगर वो क्रिस्टलाइन स्टेट में मिलते हैं। ओके, नंबर टू व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू आयंस they dissociate completely into ions in the same way in which the individual component of the salts do अब ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है ना, तो सिंपल मैं आपको बताता हूं। मैंने लिया K2SO4 एक कंटेनर के अंदर, राइट। एक मैंने और कंटेनर ले लिया, दैट कंटेनर वॉज फिल्ड विद AL2SO4 thrice। ओके, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, जैसे मैंने कल बताया था, मिक्स करा। मिक्स करने के बाद जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इवेपोरेट कर दिया। ओके, तो ये क्या बन गया, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ गया, जिसको हम बोलते हैं K2SO4 इंटू AL2SO4 थ्राइस इंटू 24 वाटर मॉलिक्यूल। ओके, और इस कंपाउंड का नाम है पोटाश अलम। क्या नाम है बेटा? पोटाश अलम। ये पोटाश अलम वही अलम है जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर फटकड़ी भी बोलते हो। ओके, जब शेविंग कराने जाते हैं तो वो फटकड़ी लगाते हैं ना व्हाइट कलर की, तो उसको हम बोलते हैं पोटाश अलम। ओके, नाउ
when this potassium is dissolved in water, aqueous matlab water, it will dissociate into K positive ions plus it will dissociate into Al3 positive ions plus it will dissociate into SO42 negative ions. Okay, so just like the ordinary, okay, in the same way ye waise hi toote hain, in the same way in which the individual component of the salt do, ye waise hi toote hain jaise individual salts ne tootna tha. Agar main K2SO4 ko pani mein dalta to K positive SO4 milta, agar main aluminium sulfate ko dalta to aluminium aur sulfate milta. To अब मेरे को पोटेशियम भी मिल गया, एल्यूमिनियम भी मिल गया, सल्फेट भी मिल गया. तो जैसे इंडिविजुअल ने ब्रेक करना था ये वैसे का वैसे ही मेरे को मिल गया है. ओके बेटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे डबल सॉल्ट. क्या बोलेंगे बेटा? डबल सॉल्ट. ओके, एक ऐसा ही होता है, उसको बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट. FeSO4 NH4 twice into है ना SO4 into 6 molecules of water. And what is the name of this salt? Mohr salt. क्या बोलते हैं बेटा इसको? Mohr salt. तो ये ध्यान में रखना, पेपर में ये 1 marks का क्वेश्चन आया हुआ है कि मोहर सॉल्ट का बताओ क्या फार्मूला होता है. ओके, मोहर सॉल्ट एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या डबल सॉल्ट है या सिंपल सॉल्ट है? ओके बेटा, तो मोहर सॉल्ट एक डबल सॉल्ट है. क्यों? क्योंकि मोहर सॉल्ट जो है वो मिक्सचर है किसका? फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट. तो दो डिफरेंट कंपाउंड हमने मिक्स करे हैं, एक फेरस सल्फेट और दूसरा अमोनियम सल्फेट. ओके, तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना है उसके अंदर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑलरेडी अटक गए हैं. तो जब इसको मैं पानी के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो इट विल बी कन्वर्टेड टू Fe2 पॉजिटिव आयंस प्लस NH4 पॉजिटिव आयंस प्लस SO42 नेगेटिव आयंस. तो मुझे वही आयंस मिले हैं इन द सेम वे, ओके, in which the individual components of the salt do. Okay beta? Yes sir. Haan ji. To jo individual ions hain, maan lo yahan pe mere paas potassium tha, yahan pe mere paas aluminium tha, to mere ko potassium ka bhi salt milega aur aluminium ka bhi test milega. Agar main karunga to mujhe potassium ka bhi test positive aayega, agar main karunga mere paas aluminium ka bhi test positive aayega. Yahan pe agar baat karu main तो मेरे को Fe2 पॉजिटिव का भी टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा, अमोनियम का भी टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा. तो हम बोल सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स हैं, ओके, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स हैं, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी. उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करा है, वो वही रहे हैं जो वो पहले थे. ओके बेटा, वो वही रहे हैं जो वो पहले थे. वेरी गुड. ओके, सो नेक्स्ट नंबर 2 पढ़ना है अब. समझ आ गया बेटा? यस सर. ओके गुड. नेक्स्ट जो मैंने नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है हमने अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में. ओके, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में. ओके बेटा, नाउ सो
मैं फिर बता रहा हूं, मैंने FeCN2 लिया, ओके FeCN2 आइस, ओके इसका सॉल्यूशन लिया जैसे मैंने पहले लिया था, और मैंने KCN ले लिया AQ जैसे मैंने पहले लिया था। कहने का मतलब है एक बिकर में मेरे पास FeCN2 था राइट, और एक बिकर के अंदर मेरे पास KCN था। जब मैंने इन दोनों को मिक्स करा, ओके बेटा इन दोनों को मिक्स करने से ओके मेरे पास एक कंपाउंड बना, जिसको आप अगर ये बोलना चाहते हो FeCN twice into KCN, जैसे मैंने पहले बोला ओके मेरे पास एक कंपाउंड बना ये वाला ओके। इस कंपाउंड को जब मैंने वाटर में डाला, एक्वस में डाला, तो मेरे पास Fe2 पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव, ये तीन आने चाहिए थे। अगर ये तीनों के टेस्ट आते, अगर ये तीनों के टेस्ट आते तो मैं इसको क्या बोलता, मैं इसको बोलता डबल सॉल्ट। क्या बोलता बेटा, मैं इसको बोलता डबल सॉल्ट, बट मेरे को Fe2 पॉजिटिव का टेस्ट नहीं मिला, मेरे को साइनाइड का टेस्ट नहीं मिला। पूरे रिएक्शन के अंदर मेरे को ना तो Fe2 पॉजिटिव का टेस्ट मिला और ना ही साइनाइड नेगेटिव का टेस्ट मिला। इसका मतलब क्या होगा, इंडिविजुअल आयंस लूज देयर आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आयन लूज देयर आइडेंटिटी, ओके जो इंडिविजुअल आयन है क्योंकि उनका टेस्ट नहीं मिल रहा। अब समझा रहा बेटा अनुराग, अनुराग आर यू देयर? ओके तो जो इंडिविजुअल आयन्स हैं उनका टेस्ट ही नहीं मिल रहा। अगर उनका टेस्ट ही नहीं मिल रहा है बेटा, इसका मतलब दे हैव लूज देयर आइडेंटिटी। इफ दे हैव लूज देयर आइडेंटिटी ओके तो दे आर कन्वर्टेड इनटू के एफई CN6 के 4 K4FeCN6, इसके अंदर ये कन्वर्ट हो गया है। और जब पानी के अंदर मैंने डाला था एक्चुअली में, तो पानी के अंदर मेरे को K पॉजिटिव का टेस्ट मिला प्लस FeCN6 4 नेगेटिव, एक न्यू आइडेंटिटी, एक नवी चीज ये वाली, इसका टेस्ट मिला न्यू ओके okay? तो इसका टेस्ट मिला मेरे को। क्लियर है बेटा? ओके गुड। तो यहां से मेरे को क्लियर हो गया कि डबल सॉल्ट की बजाय कुछ नया बन रहा है, और उस नई चीज को हमने क्या नाम दिया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या नाम दिया बेटा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके चलो ये तो हो गया हमारा क्लियर। अब आपको पता लग गया कि नॉर्मल कंपाउंड क्या होते हैं, डबल सॉल्ट क्या होते हैं, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। अब हम सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, ओके तो मैं इसको रब कर रहा हूं, रब कर दूं? यस सर। ओके So now, this is some important term used in
coordination compounds. Okay, अब हमें यह तो पता लग गया कि coordination compounds क्या होते हैं, और अब coordination compounds ठीक है होते क्या है, कौन कौन से terms उसके लिए explain करने के लिए हम लोग use करेंगे. Okay, so that you become habitual of that. तो सबसे पहली टर्म है जिसको हमने यूज करना है वो है सेंट्रल मेटल एटम और आयन. ओके, सबसे पहली बात है सेंट्रल मेटल एटम और आयन. ओके, सो द न्यूट्रल एटम और कैटायन, द न्यूट्रल एटम और कैटायन, बेसिकली इट इज अ कैटायन टू विच ओके वन और मोर ओके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयन्स आर अटैच्ड. आयन्स आर अटैच्ड ओके आयन्स आर अटैच्ड इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम. ओके बेटा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने FeCN6 4 नेगेटिव एक ये कॉम्प्लेक्स ले लिया, एक निकल NH3 6 टाइम्स 3 पॉजिटिव, या एक काम करते हैं 2 पॉजिटिव ये कॉम्प्लेक्स ले लिया, एक निकल CO4 ये कॉम्प्लेक्स ले लिया. ओके, तो देखा जाए पहले केस के अंदर Fe2 पॉजिटिव इज द सेंट्रल मेटल कैटायन. सेंट्रल मेटल, देखो ना, सेंट्रल मेटल नॉट एटम, दिस टाइम इट इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, देन इट इज कॉल्ड कैटायन इज मेटल कैटायन. और आप सेंट्रल लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो. ओके, इसके केस में निकल 2 पॉजिटिव इज द सेंट्रल मेटल कैटायन. ओके, इसके केस में निकल पर चार्ज नहीं है कोई भी. अब मैं ये कैसे पता लगा चार्ज है या नहीं है, ये थोड़ी देर तक हम बात करेंगे तब हमें पता लगेगा. इज द मेटल एटम, क्योंकि चार्ज नहीं है तो एटम, अगर चार्ज आ गया तो वो क्या बन गया, केटायन बन गया. ओके बेटा, तो यहां से हमें पता लग गया कि हमारे इसके अंदर कौन कौन सी राइट मेटल कैटायन्स पड़े हुए हैं, और ये यहीं पे पड़े मिलेंगे आपको हमेशा हर कॉम्प्लेक्स के अंदर. ठीक है बेटा जी, तो अब आपको एक चीज क्लियर हो गई है कि हमारे जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, उनके अंदर क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है, और आयन का मतलब क्या होगा, यूजली कैटायन होगा. ओके गुड, नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस. पॉइंट नंबर टू दैट इज लाइगेंड्स. सबसे इंपॉर्टेंट, ओके, लाइगेंड. सो दिस मे बी डिफाइंड एज, दिस मे बी डिफाइंड
as this may be defined as the neutral or ionic species which are okay capable of okay which are capable of donating one or more lone pair of electron okay lone pair of electron clear to ek definition aur ho sakti hai agar hum isi ke base ke upar likhe to ek definition aur bhi ho sakti hai wo definition ho sakti hai what are ligands anything which is capable of donating a pair of electron matlab koi bhi species anything jo ek lone pair of electron डोनेट कर सकती है उसको हम क्या बोलेंगे लाइगेंड बोलेंगे ओके तो बेसिकली लाइगेंड क्या होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं ओके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन लेता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेती हैं मेटल्स जिनके अपने ऑर्बिटल खाली होते हैं इसका मतलब क्या हो गया लाइगेंड के ऑर्बिटल भरे हो गए और मेटल के ऑर्बिटल खाली हो गए तो लाइगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स जो भरे हुए हैं वो मेटल के खाली ऑर्बिटल के अंदर दे देते हैं ओके तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं ओके बेटा तो ऑन द बेसिस ऑफ number of donor okay atoms okay number of donor atom please इस word को जरूर याद रखना lone pair नहीं lone pair तो सारे एक ही देते हैं okay donor atom कितनी है देने वाली atom कितनी है ठीक है ना अगर एक molecule में 6 donor atom है और 6 की 6 अपना एक एक lone pair दे रही है okay एक एटम दो लोन पेयर नहीं दे सकते हमें 6 डोनर एटम देखनी पड़ेगी क्योंकि सारी एटम सिर्फ एक ही लोन पेयर दे सकती हैं ओके नंबर ऑफ डोनर एटम्स द लाइगेंड्स मे बी क्लासिफाइड एज फॉलो द लाइगेंड्स मे बी क्लासिफाइड एज फॉलो ओके बेटा तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डोनर एटम सबसे पहला आ जाता है मेरे पास वो आता है यूनिडेंटेट और मोनो डेंटेट लाइगेंड्स ओके तो सबसे पहले क्या बोलते हैं इसको यूनिडेंटेट एंड मोनोडेंटेट और मोनोडेंटेट लाइगेंड तो यूनि का मतलब वन होता है मोनो का मतलब भी वन होता है डेंटेट का मतलब होता है देना ओके सिर्फ एक लोन पेयर देना ओके तो क्या बन गया लाइगेंड्स विच हैव ओनली वन डोनर एटम वन डोनर एटम ओके
फॉर कोऑर्डिनेशन, फॉर कोऑर्डिनेशन विद विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन, विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिडेंटेट लाइगेंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, कितने डोनर एटम्स हैं, ये मैटर नहीं करता कितने लोन पेयर हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अमोनिया है NH3, कितने डोनर एटम है बेटा, एक डोनर एटम है, वो भी नाइट्रोजन है। मेरे पास वाटर है H2O, वाटर में ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, टू लोन पेयर हैं बेटा, ओके। बट ऑक्सीजन एक ही लोन पेयर दे सकती है, इसलिए डोनर एटम एक है। अगर मैं बात करूं Cl नेगेटिव की, तो Cl नेगेटिव में मान लो हेलोजन कोई भी हो गया, तो ये होता है बेटा आउटर मोस्ट शेल, कितने लोन पेयर हैं, 4 लोन पेयर्स हैं क्लोरीन के पास, पर क्लोरीन देगी तो एक ही, एक से ज्यादा नहीं दे पाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, डोनर एटम एक है, ये मैटर नहीं करता कि उसके ऊपर कितने लोन पेयर हैं, क्योंकि हमें पता है लोन पेयर एक एटम एक ही दे सकती है, इसलिए उस जैसी कितनी एटम्स हैं ये मैटर करता है, ओके बेटा। तो मोनोडेंटेट का मतलब हो गया या यूनिडेंटेट का मतलब हो गया कि सिर्फ एक ही डोनर एटम है, जैसे NH3, वाटर, Cl नेगेटिव, ओके। ऐसे सेम F नेगेटिव, इसको यहां बना देता हूं, है बेशक 4 लोन पेयर पर देगा एक ही, ओके बेटा। कोई डाउट, H2S है चाहे 2 लोन पेयर पर देंगे डोनर एटम एक है। तो बेसिकली मेरा डील किससे है, डोनर एटम से। यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे क्लोरीन है, यहां पे फ्लोरीन है, यहां पे सल्फर है, इसका मतलब डोनर एटम एक है, ओके। अनुराग क्लियर, गुड। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, ओके। सो नेक्स्ट इज बाइडेंटेट, दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया है बाइडेंटेट, ओके। बाई का मतलब लाइगेंड, बाइडेंटेट लाइगेंड, बाई का मतलब दो, तो लाइगेंड्स विच हैव, लाइगेंड्स विच हैव टू डोनर एटम्स। लाइगेंड एक ही होगा पर उसके बीच में डोनर एटम कितने होंगे, 2 होंगे, ओके। फॉर कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ओके। तो डोनर एटम कितने हो गए बेटा, 2 हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल CH2, NH2, ये आपस में जुड़ गया CH2, NH2। तो देखा जाए यहां पे, तो एक तो लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, तो एक तो डोनर एटम हो गया ये वाला नाइट्रोजन, एक डोनर एटम हो गया ये वाला नाइट्रोजन, हालांकि है सेम से ही है पर है तो 2 अलग अलग ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 डोनर एटम्स, 2 डोनर एटम्स, ओके। ऐसा सा ऑक्सलेट आयन, ओके,
O नेगेटिव, एक लोन पेयर यहां पे, एक लोन पेयर यहां पे, एक लोन पेयर यहां पे, एक लोन पेयर यहां पे। सिमिलरली दो लोन पेयर यहां पे हैं। व्हाट इज इट मीन? ये बॉन्डिंग में ये कोई रोल नहीं है इनका, इन दोनों का कोई रोल नहीं है। ओनली द रोल इज ऑफ दिस ऑक्सीजन एज वेल एज दिस ऑक्सीजन। सो दैट्स व्हाई टू डोनर एटम। देखो लोन पेयर लेके तो बहुत सारी एटम्स घूमती हैं, बट जो देंगी, जो डोनेट करेंगी, वही डोनर में काउंट होंगी। ओके, बट जो डोनेट करेंगे वही डोनर में काउंट होंगे। ओके, द नेक्स्ट इज नाइट्रोजन हेयर एंड नाइट्रोजन हेयर। वन इज दिस, अदर इज दिस, एंड सी। तो एक तो ये डोनर एटम हो गई है नाइट्रोजन, एक बार ये डोनर एटम हो गया, तो यहां पे भी क्या आ गया है, टू डोनर एटम। तो सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपके पास डोनर एटम्स कितनी हैं। ओके, तो पहले वाले कंपाउंड का क्या नाम था? पहले वाले कंपाउंड का नाम था हमारे पास इथाइलीन डाई अमीन। ओके, डाइअमीन। ओके, दैट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंपाउंड। ओके, सेकेंड वाले का नाम था ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन। ओके, थर्ड वाले का नाम था डाइपिरिडीन, डाइपिरिडीन। ओके, इथाइलिन डायामीन को शॉर्ट फॉर्म EN से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, और ऑक्सलेट आयन को OX से रिप्रेजेंट करा जाता है शॉर्ट फॉर्म, और इसको बोलते हैं DIPY, ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है शॉर्ट फॉर्म के अंदर। ओके बेटा, क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं हम लोग बाइडेंटेट लाइगेंड्स। समझ आया बेटा अनुराग? Is it clear? All right. So next we move on to polydentate ligands. Okay. Number 3 is polydentate ligands. Okay. Polydentate ligands. So ligands which have more than two donor atoms. Ligands which have more than two donor atoms are called polydentate ligands. तो क्या बोलते हैं हम लोग? polydentate ligand. तो इसका मतलब है अगर मेरे पास three donor atoms हैं तो what I call it? ट्राइडेंटेट। ओके, ट्राइडेंटेट। ओके बेटा, अगर मेरे पास 4 डोनर एटम्स हैं तो व्हाट आई कॉल दैट? टेट्रा डेंटेट। अगर मेरे पास 5 डोनर एटम है तो व्हाट आई कॉल दैट? पेंटाडेंटेट।
पेंटा डेंटेट, अगर मेरे पास छह डोनर एटम्स हैं तो हेक्सा डेंटेट एंड सो ऑन. ओके, सो पॉली का मतलब हो गया व्हेन यू हैव मोर देन टू डोनर एटम्स. तो स्पेसिफिक हैं, आपको पता है दो तीन हैं, चार हैं, पांच हैं, छह हैं, कितने हैं, तो दे हैव देयर सेपरेट नेम्स. ओके, सेपरेट नेम्स. तो एक बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट हमारे पास है लाइगेंड. द नेम ऑफ द लाइगेंड इज ई डी टी ए. ओके, एंड द नेम ऑफ द कंपाउंड इज इथाइलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड. ओके, टेट्रा एसिटिक एसिड. सो दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइगेंड. और लेट्स सी इट्स स्ट्रक्चर, लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड. CH2, single bond CH2, single bond nitrogen, CH2 COOH, CH2 COOH, so sorry, okay, so it is like nitrogen. एक लोन पेयर यहां, एक यहां आ जाएगा सी एच टू सी ओ ओ एच सी एच टू सी ओ ओ एच. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइगेंड. अब मैं डोनर एटम बता देता हूं आपको, तो आप मेरे को बताओगे कितने लोन पेयर डोनर एटम्स हैं इसके अंदर. So tell me how many donor atoms are. Anurag, you can easily count. So there are six donor atoms. So there are six donor atoms. Okay? And since I have six donor atoms, so this EDTA lies in the category of hexa dentate ligand. Okay, it lies in the category of hexadentate ligand. Okay, all right, so isko main abhi rub kar raha hu. So number 4, sorry, jo number 3 term maine padhani hai aapko, wo maine padhani hai aapko, very 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 important, very very important, please note it down. Okay, the name is chelating ligands. Chelating ligands, and इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, chelates. Okay, chelates. Okay, chelating ligands and chelates. So ligands, ligands containing two or more donor atoms. Okay, two or more donor atoms forms five or six member ring structure, form five or six member ring structure
विद द सेंट्रल मेटल एटम विद द सेंट्रल मेटल एटम विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन ओके सच लाइगेंड्स आर कॉल्ड सच लाइगेंड्स आर कॉल्ड चिलेटिंग लाइगेंड्स ओके सच लाइगेंड्स आर कॉल्ड चिलेटिंग लाइगेंड्स एंड द रिंग सो फॉर्म्ड एंड द रिंग सो फॉर्म्ड ओके इज कॉल्ड चिलेटिंग रिंग इज कॉल्ड चिलेटिंग रिंग एंड द होल कॉम्प्लेक्स द होल कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड चिलेट्स एंड द होल कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड चिलेट्स एनी डाउट ओके अब थोड़ी बहुत तो समझ में आ गई है डेफिनेशन पर पूरी समझ में नहीं आई है ओके तो पूरी समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो मैंने क्या बताया था टू और मोर डोनर एटम्स तो कोई टू डोनर एटम वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग जैसे मेरे पास है ये वाला कंपाउंड ओके इसके पास एक लोन पेयर यहां होता है एक लोन पेयर यहां होता है और बीच में आ गई मेरी मेटल डिपेंड करता है उसके ऊपर चार्ज कितना है ओके मान लो एन पॉजिटिव है इसने अपने लोन पेयर यहां भी डोनेट कर दिए इसने अपने लोन पेयर यहां भी डोनेट कर दिए ऐसा भी हो सकता है ओके कि ऐसी सी डोनर एटम मेरे पास एक और भी हो जो अपना लोन पेयर इधर से भी डोनेट कर दे ये इधर से भी डोनेट कर दे चलो ये हो ना हो पर आप काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5 कितने मेंबर ये साइकिल बनता है कितने मेंबर साइकिल बनाए 5 मेंबर रिंग बना लिए इसने इस वाले लाइगेंट ने कितने मेंबर रिंग बना लिए 5 मेंबर रिंग बना ली है ओके सो दिस लाइगेंट जिसको आपने बाइडेंटेट लाइगेंट भी बोला था ओके कौन सा लाइगेंट बोला था बाइडेंटेट लाइगेंट क्यों क्योंकि इसके पास टू डोनर एटम है क्योंकि इसके पास कितने एटम है टू डोनर एटम्स हैं तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं चिलेटिंग लाइगेंट क्या बोलते हैं चिलेटिंग लाइगेंट और ये जो 5 मेंबर रिंग बनी है ये वाली ये जो रिंग बनी है ये यहां तक राइट एंड दिस रिंग इज कॉल्ड चिलेटिंग रिंग और ये जो टोटल कॉम्प्लेक्स बना है बेटा इसको हम पूरा क्या बोलते हैं चिलेट क्या बोलते हैं चिलेट बोलते हैं सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो नाउ चिलेट पता लग गया चिलेटिंग लाइगेंड पता लग गए ओके नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ चिलेट्स राइट अब हम पढ़ेंगे चिलेट का क्या फर्क पड़ा चिलेट बनने से हुआ क्या ओके रोल क्या हुआ चिलेट बनने से ओके सो इसको मैं कंटिन्यू फिर नेक्स्ट क्लास में ही करवाऊंगा बेटा नहीं लेट्स कंटिन्यू ओके तो मैं इसको कर रहा हूं क्लियर सो नेक्स्ट टॉपिक इज
इंपॉर्टेंस ऑफ चिलेट्स. ओके, सो पहली इंपॉर्टेंस है नंबर वन, चिलेटिंग लाइगेंड्स फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू मोनोडेंटेट लाइगेंड, एज कंपेयर टू मोनोडेंटेट ligands. Okay, so this is also known as chelating effect. Okay, this is also called chelating effect. So mere paas do complex hai beta, ek CO NH3 6 3 पॉजिटिव, एक CO EN सॉरी ये नहीं है, इसको मैं रबी कर देता हूं और यहां पे मैं लेके आता हूं NH3 4 टाइम्स 3 पॉजिटिव. अगर मैं पूछूं कंपाउंड A कंपाउंड B में से स्टेबल कौन सा है, तो आपने देखना है कि इसके अंदर एक चिलेटिंग रिंग है, तो ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके अंदर चिलेटिंग रिंग है. तो चिलेटिंग रिंग की वजह से इसको क्या मिलती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है. ओके बेटा, पॉइंट नंबर टू. ओके, मोर इज द chelating rings, more will be the stability of the complex. ठीक है, तो एक chelating ring है, दो chelating ring है, तीन chelating ring है, तो जितनी ज्यादा chelating rings होंगी उतनी ज्यादा stability होगी. बस ये भी ध्यान में रखने वाली बात है. नंबर थ्री, चिलेटिंग लाइगेंड्स विच डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड. ओके, विच डू नॉट फॉर्म हैविंग डबल बॉन्ड्स फॉर्म 5 membered stable ring. Okay, form 5 membered stable ring structure. Okay, on the other hand, chelating ligand which contain double bonds. Okay, chelating ligands on the other hand which contain double bond, which contain chelating ligands contain double bond form 6 membered stable ring, है ना? तो आपको अगर मैं पूछूं कि बताओ एक 5 membered ring बन रही है, एक 6 membered ring stable बन रही है, एक ring बन रही है, दोनों ring में से कौन सा ज्यादा stable होगा, तो आपने ये देखना है एक तो 5 वाली बनी है, एक 6 वाली बनी है. अगर 6 वाली में double bond है तो 6 वाली ज्यादा stable है, अगर double bond नहीं है तो 5 वाली ring जो है वो ज्यादा स्टेबल मानी जाएगी. ओके, फोर्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट,
ऑफ टूडेज लेक्चर ये कि लाइगेंड्स विद लार्ज और बर्की ग्रुप्स, लाइगेंड्स विद लार्ज और बल्की ग्रुप्स, लाइगेंड्स विद लार्ज और बल्की ग्रुप्स ओके फॉर्म अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, ओके फॉर्म अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस ओके। इसका मतलब जितने हमारे पास जो व्हाट यू कॉल दैट लाइगेंड्स हैं वो छोटे होंगे, हल्के होंगे, वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ओके। व्हाई? दिस इज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ओके। मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ओके। दिस इज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से होता है ओके। क्लियर है बेटा अनुराग?